नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए सरकार ने अभियान की शुरुआत की है। कोविड के खिलाफ राज्य सरकार का यह अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। वैक्सीनेशन अभियान के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश की जनता को जल्द ही 1 करोड़ वैक्सीन मिलने वाली है। योगी सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं को 20 करोड़ एडवांस दिया है। यूपी में 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण जारी है और इस तीसरे चरण में 18 साल से लेकर 44 साल के बीच के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। वैक्सीन का दूसरा डोज देने का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है, यानी कि जो 45 से ऊपर वाले हैं, जिनको पहला टीका लग चुका है और उनको दूसरा टीका लगना है, उनको भी टीका देने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, युद्ध स्तर पर इसकी तैयारियां चल रही हैं। जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं, उन कंपनियों को सरकार की ओर से एडवांस राशि 20 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं और इस 1 करोड़ वैक्सीन इस थर्ड फेज में 18 से 44 साल के बीच जो लोगों को लगना है, उसका ऑर्डर दिया गया है। 1 मई से वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हुई है। इस तीसरे चरण में 18 साल से लेकर 44 साल के बीच के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। कोरोना के संक्रमण के मामले जहां एक और लगातार बढ़ रहे हैं और ये सबको पता है कि कोरोना से बचाव का एकमात्र जरिया और हथियार है वैक्सीनेशन, तो वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करके ही इस कोविड के खिलाफ लड़ाई को अहम मकाम तक पहुंचाया जा सकता है और इसके लिए योगी सरकार युद्ध स्तर पर काम भी कर रही है। इस वक्त एसके वाजपेयी मेरे साथ जुड़ चुके हैं लखनऊ से, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, थर्ड फेज में जो वैक्सीनेशन हो रहा है, इसमें 18 से 44 साल के बीच के लोगों को वैक्सीनेट करना है। इसके पहले 45 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेट किया जा रहा था, उनको पहला डोज लग चुका है। इसके लिए सरकार किस तरीके से इन दोनों आयु वर्ग के लोगों को, यानी कि 18 से लेकर जितने भी ऊपर के लोग हैं, इनको एक तो फर्स्ट डोज जिनको लग चुका है और एक जिनको फर्स्ट डोज लगना है, क्या काम कर रहा है सरकार की ओर से हो रहा है, कैसे जल्दी से जल्दी कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। यही एक बड़ी वजह है कि 18 से 44 साल के लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन करने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया था, जिसका फैसला भी कैबिनेट से पास हो चुका है। 44 साल से ऊपर के लोगों को लगातार वैक्सीनेशन पहले से चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल टेंडर भी जारी किया है, जिसमें निजी कंपनियों को हायर किया जाएगा जो पूरे प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर बृहद वैक्सीनेशन चलाएंगी, जिसको लेकर 40 मिलियन डॉलर डोज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये ग्लोबल टेंडर की गई है, जिसमें 21 तारीख अंतिम तिथि है, जब तक ये टेंडर प्रक्रिया को पूरा करना है उस दिन अपनी टेंडर भरे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। उसके अलावा 1 करोड़ से ज्यादा जो वैक्सीन की डोज है वो इसी सप्ताह उत्तर प्रदेश सरकार को मिलनी है और 40 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश सरकार इनको लेकर भुगतान भी कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार हर वो संभव प्रयास कर रही है कि वैक्सीन की कहीं कोई कमी ना हो और साथ ही साथ वैक्सीनेशन के लिए पूरे प्रदेश स्तर पर बृहद अभियान चले, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल टेंडर किया है। तो निश्चित है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही होगी कि जो भी लोग हैं, चाहे वो 18 से 44 हो या 44 प्लस वाले हो, उन सभी को वैक्सीनेट किया जाए। करीब 9 करोड़ से ज्यादा की ऐसी आबादी है जो कि वैक्सीनेशन पूरे प्रोग्राम में शामिल होगी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार जो प्रयास कर रही है, उस प्रयास के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है कि 1 करोड़ डोज इसी सप्ताह मिलेंगी और लगातार आगे की डोज के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से व्यवस्था भी की जा रही है। उसके पहले से ही एडवांस में पैसे भी दिए जा चुके हैं और जो इनको लगाएंगे उसके लिए ग्लोबल टेंडरिंग है 40 मिलियन डोज लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार देने जा रही है। तो निश्चित है कि मई के महीने के अंत तक उत्तर प्रदेश के गांव-गांव में उत्तर प्रदेश सरकार अभियान चलाकर ये वैक्सीनेशन पूरे प्रदेश भर में करेगी, जिसमें इस एज ग्रुप में आने वाले सभी लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य वैक्सीनेट करने का है। तो निश्चित है कि कोरोना को हराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ी व्यवस्था की है जो कहीं ना कहीं अब जमीन पर भी दिखने लगी है। ठीक है, और वैक्सीनेशन के लिए सबसे जो बड़ी दिक्कत है वो वैक्सीन की उपलब्धता है, इसको लेकर सरकार क्या काम कर रही है?
हाँ बिल्कुल, अगर वैक्सीन की उपलब्धता की बात करें तो अभी करीब 4 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 लाख डोजेज हैदराबाद से मंगाए थे। उसके पहले भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 5 लाख डोजेज अहमदाबाद से आए थे। साथ ही साथ में 1 करोड़ डोज का जो पहले ही प्री एडवांस उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जा चुका है वो इसी सप्ताह आने जा रहे हैं, और 20 करोड़ रुपए आगे के लिए भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एडवांस में दे दिए गए हैं, ताकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 9 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन होना है तो उसमें कहीं कोई समस्या ना आए, इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने सीधे तौर पर कंपनियों को पैसे भुगतान कर दिए। तो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही है कि जो वैक्सीनेशन का महाअभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चलेगा उसमें कहीं कोई समस्या ना आए, जिसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश सरकार ये भुगतान कर रही है। साथ ही साथ ग्लोबल टेंडरिंग के जरिए ये वैक्सीनेशन की डोज लोगों तक पहुंचाने का भी उत्तर प्रदेश सरकार इंतजाम कर रही है। जी चलिए एसके वाजपेयी, आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो सरकार वैक्सीनेशन को युद्ध स्तर पर चलाने के लिए लगातार जितनी भी कोशिश होनी चाहिए वो कोशिश कर रही है, वहीं ऑक्सीजन आपूर्ति का काम भी उत्तर प्रदेश में युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्राणवायु लेकर लगातार ऑक्सीजन एक्सप्रेस लखनऊ पहुंच रही है। उत्तर प्रदेश के लिए दिल्ली से जामनगर ऑक्सीजन एक्सप्रेस भेजी गई है और रिफिलिंग गुजरात के जामनगर में होगा। इसके लिए बाकायदा 5 टैंकर भेजे गए हैं। अभी तक जो ऑक्सीजन एक्सप्रेस है वो बोकारो से ऑक्सीजन लेकर लखनऊ पहुंच रही थी, लेकिन अब गुजरात के जामनगर से भी उत्तर प्रदेश को ऑक्सीजन मिलेगा। जो खाली टैंकर हैं उनको भेजा गया है और उसके बाद जामनगर से रिफिल होकर ये टैंकर्स उत्तर प्रदेश आएंगे। एसके वाजपेयी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। एसके, एक जगह पर अगर आप फोकस हो जाते हैं तो हो सकता है कि वहां पर कई जगह कई बार आपको ऑर्डर में मिलने में दिक्कत हो, देरी हो जाए, तो इस वक्त सरकार संभवतः तो यही काम कर रही है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर फोकस न करके ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हर अलग अलग जगहों पर बात कर रही है और वहां से ऑक्सीजन मंगवा रही है। बिल्कुल निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास यही है कि जहां से भी हो ऑक्सीजन की उपलब्धता उत्तर प्रदेश में की जाए, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन जो हम कहें कि ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जरूरत होती है वो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार दूसरे प्रदेशों से सप्लाई कर रही है। जो उत्तर प्रदेश में थी उसको भी प्रयोग लगातार किया गया। अभी हम देख रहे थे लगातार बोकारो से उत्तर प्रदेश के लिए ऑक्सीजन की ट्रेन आ रही थी। करीब 1 दर्जन ट्रेनें बोकारो से ऑक्सीजन लेकर लखनऊ, वाराणसी और उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में पहुंची है। अब उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार की तरफ से एक आज दिल्ली से गुजरात के लिए भेजी गई है, जहां जामनगर से ऑक्सीजन लेकर लखनऊ आएगी। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार हर वो संभव प्रयास कर रही है जिससे उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में कहीं भी ऑक्सीजन की कोई कमी ना रहे और प्रॉपर तौर पर ऑक्सीजन लोगों को उपलब्ध हो, खासतौर पर उन मरीजों के लिए भी जो कि होम आइसोलेशन में है और उनको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो ये बड़ी है, केंद्र सरकार ने भी उत्तर प्रदेश को जो ऑक्सीजन का कोटा निर्धारित किया है उस कोटे के तहत ये ट्रेन गुजरात के लिए रवाना हो गई है और वहां के जामनगर प्लांट से ऑक्सीजन लेकर लखनऊ आएगी। तो निश्चित है कि जब ये ट्रेन लखनऊ पहुंचेगी उसके बाद जो भी उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले हैं जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होगी लखनऊ से ये वहां भेजी जाएगी, क्योंकि अगर सड़क के जरिए इसको किया जाता तो कहीं ना कहीं एक लंबा वक्त जो 3 से 4 दिनों का होता वो लगता है। इस वजह से ऑक्सीजन ट्रेन स्पेशल तौर पर चलाकर ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनको तेजी के साथ मौके पर पहुंचाया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि अगले 48 घंटों में यह ट्रेन लखनऊ में होगी, जिसमें लखनऊ और आसपास के जो जिले हैं वहां पर ऑक्सीजन की आपूर्ति को सुचारू किया जा सकेगा। जी और क्या ये कितना वक्त इसमें लगेगा, और सबसे बड़ी बात कि लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश के कई और जनपदों में भी ऑक्सीजन की किल्लत है, तो व्यापक तौर पर ऑक्सीजन को लेकर उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर हो ये तो चलिए अभी तत्कालिक तौर पर आप अलग अलग जगहों से मंगवा रहे हैं, लेकिन हर अस्पताल हर जिला ऑक्सीजन को लेकर आत्मनिर्भर हो इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए क्या कोई प्लानिंग हो रही है? बिल्कुल निश्चित तौर पर प्लानिंग हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयास किया है कि जब तक कि उत्तर प्रदेश सरकार जो प्रदेश भर में जिसमें 41 उसको ऑक्सीजन प्लांट केंद्र की तरफ से मिले हैं जो कि इस महीने तक लगभग सभी में काम पूरा होना है, जिसमें लखनऊ का PGI है, गोंडा का जिला अस्पताल है, उसके अलावा कानपुर का जो अस्पताल है उसमें पहले ऑक्सीजन प्लांट जो लग चुके थे उनको शुरू भी कर दिया गया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी जिलों में जितने भी जिला अस्पताल है वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम शुरू करने जा रही है, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेज दिया है और ऑक्सीजन प्लांट उत्तर प्रदेश के इन जिलों के लिए मांगे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जितने भी CSCs हैं सभी CSCs पर 20-20 कॉन्सेंट्रेटर उत्तर प्रदेश सरकार ने देने की योजना बनाई है। तो निश्चित है कि जब तक ये सारी सुविधाएं नहीं शुरू हो पा रही है
तब तक के लिए ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार दूसरे प्रदेशों से कर रही है ताकि सभी मरीजों को उनके समय पर ऑक्सीजन मिलती रहे और कहीं भी ऑक्सीजन की कमी से मरीजों के सामने कोई समस्या ना खड़ी हो। और साथ ही साथ वो प्रयास भी किया जा रहा है जिसमें जो भी चाहे वो निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो या यहाँ तक सीएससी हो वहां पर भी व्यवस्था की जा रही है कि उनके खुद के ऑक्सीजन प्लांट हो और सीएससी में कम से कम ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जरूर हो ताकि अगर वहां पे और ये नहीं बिल्कुल एसके वाजपेयी यही फोकस भी होना चाहिए। तत्कालिक तौर पर आपको अगर दिक्कत है तो आप उसकी व्यवस्था जरूर कीजिए लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए भी आपको अपनी तैयारी सुनिश्चित करके रख लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी आपका इस पूरी बातचीत के लिए। मथुरा में कैंटर और पिकअप के बीच भीषण टक्कर हो गई। दोनों वाहनों के इस हादसे में परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 6 लोग घायल हैं जिनमें से 3 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। ये जोरदार टक्कर हुई है दोनों वाहनों के बीच और आधा दर्जन लोग घायल हैं जिनमें 3 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मथुरा के हाईवे थाना क्षेत्र के भरतपुर रोड पर ये हादसा हुआ है और ये देखिए इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं इस हादसे की भयावहता की कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी और दोनों गाड़ियों की स्पीड कितनी रही होगी। एक गाड़ी का आगे का जो पूरा हिस्सा है वो क्षतिग्रस्त हो गया है और दूसरी गाड़ी जो पलट गई है ये देखिए ये जोरदार टक्कर हुई होगा और इस तस्वीर के जरिए ही आपको समझ में आ गया होगा कि टक्कर कितनी जोरदार रही होगी और गाड़ी की स्पीड कितनी रही होगी। फिलहाल इस हादसे के बारे में जो अपडेट है आधा दर्जन लोग घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जिनमें से 3 लोगों की जो हालत है वो काफी क्रिटिकल बताई जा रही है। बरेली में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ है। इस खूनी संघर्ष में एक महिला की मौत हो गई है। बरेली का यह मामला है। चुनावी रंजिश में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ और इस खूनी संघर्ष में एक महिला की मौत हुई है। इस मारपीट में 7 लोग घायल हैं जिनमें से 2 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। ये मामला बरेली के भूता थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद 2 पक्षों के बीच चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट हो गई और मारपीट देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। एक महिला की मौत हो गई है। नतीजों के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष की रेस में चित्रकूट में कौन बनेगा जिला पंचायत अध्यक्ष, तो नतीजे तो आ गए हैं लेकिन अब इस बात को लेकर कवायद हो रही है कि जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन बनेगा। चित्रकूट में भी इस बात को लेकर काफी चर्चा है। बीजेपी के अशोक जाटव और बीएसपी की मीरा भारती में इस वक्त टक्कर चल रही है। बीजेपी और बीएसपी को निर्दलियों का सहारा है। बीएसपी के 6 पंचायत सदस्य चुनकर आए हैं जबकि बीजेपी के 4 सदस्य चुनकर आए हैं। समाजवादी पार्टी के 5 सदस्य जिला पंचायत बने हैं, 2 निर्दलीय हैं। अब यहां पर जो पूरा खेल है वो निर्दलियों के हाथ में है। नतीजों के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर रेस तेज हो गई है। रायबरेली जिला पंचायत में कांग्रेस की मजबूत दावेदारी देखने को मिल रही है। कांग्रेस से आरती सिंह अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार बताई जा रही है। सपा से विक्रांत अकेला भी दावेदार हैं। नतीजों के बाद स्थिति अब यह है कि जिला पंचायत का अध्यक्ष कौन होगा और यहां पर कांग्रेस पार्टी काफी मजबूत नजर आ रही है। आरती सिंह कांग्रेस की ओर से अध्यक्ष पद की प्रबल दावेदार हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से विक्रांत अकेला भी जिला पंचायत अध्यक्ष की रेस में है। हालांकि अब जो चुने हुए सदस्य हैं वो देखना होगा कि किसे वोट करते हैं। बात अगर चित्रकूट की करें तो चित्रकूट में भी जिला पंचायत
में विश्व यही हाल है, बीजेपी हो, बीएसपी हो, सपा हो, सभी की ओर से कोशिश ये की जा रही है। देखिए चित्रकूट का ये हाल है, अशोक जाटव पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और मीरा भारती, इनके बीच टक्कर बताई जा रही है। एक बीजेपी से हैं अशोक जाटव और मीरा भारती बीएसपी की उम्मीदवार हैं। अब यहां पर खेल निर्दलियों के आंकड़ों पर है, निर्दलीय जिसको सपोर्ट करेंगे वही जिला पंचायत का अध्यक्ष होगा। यह रायबरेली का आंकड़ा है, देखिए विक्रांत अकेला है, साइकिल पर सवार होकर निकले हैं और अब उनकी दावेदारी काफी मजबूत बताई जा रही है। आरती सिंह है कांग्रेस की उम्मीदवार जो जीत कर आई हैं और कांग्रेस पार्टी रायबरेली में काफी मजबूत नजर आ रही है। हालांकि रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है, सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, तो ये मानकर चला जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी यहां पर बेहतर करेंगी। इस वक्त रोहित मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं रायबरेली से, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ज्यादा बातचीत के लिए। रोहित, रायबरेली का जो समीकरण है वो क्या कहता है, क्या बताता है, किसके लिए रहा आसान होगी जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, रायबरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदारों की बात की है तो अभी तक कांग्रेस से जो है आरती सिंह का नाम सामने आ रहा है, जो पूर्व सांसद अशोक सिंह की बहू है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की तरफ से बात की है तो पूर्व बछरावा विधायक रामलाल अकेला के बेटे विक्रांत अकेला का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी की तरफ से अभी स्पष्ट स्थितियां नहीं हो पा रही, क्योंकि कोई उस तरह का दावेदार नहीं था बीजेपी में जिसको स्पष्ट किया जा सके। निर्दलीय प्रत्याशियों में भी अभी कोई सामने नहीं आया है, लेकिन प्रबल दावेदार के तौर पर अगर बात की जाए तो रायबरेली से आरती सिंह जो है कांग्रेस से, वह सपा से जो है विक्रांत अकेला की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। लेकिन अगर पिछले चुनाव की का आकलन कर लिया जाए तो रायबरेली पिछले बार के चुनाव में जो है समाजवादी पार्टी ने वॉकओवर कर दिया था और कांग्रेस के पाले में गेंद डाल दी थी, तो कहीं ना कहीं इस बार भी अगर देखने को मिला, अगर कांग्रेस के समाजवादी पार्टी एक बार फिर वॉकओवर करती है, कांग्रेस के पाले में गेंद डालती है, तो कांग्रेस की तरफ से जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय है। क्योंकि कांग्रेस के पास जो है प्रेजेंट टाइम में 10 सीटें जो जिला पंचायत सदस्य की है, वही समाजवादी पार्टी के खाते में 16 जिला पंचायत सदस्य की सीट है। और निर्दलीय की बात की है तो निर्दलीय भी 16 है और बीजेपी की बात की है तो बीजेपी की 10 सीटें हैं। रोहित, 10 कांग्रेस के पास है, 16 सपा के पास है, 10 आपने बताया भारतीय जनता पार्टी के पास, यानी बीजेपी और कांग्रेस का जो आंकड़ा है वो एक बराबर है, 10-10 सीटें सपा बीजेपी और कांग्रेस के पास है, सपा के पास ज्यादा अंतर है। निर्दलीय 16 है, मतलब जितना समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं उतने निर्दलीय भी हैं, तो ये जो पूरा खेल अब यहाँ पर निर्दलीयों पर डिपेंड करता है कि निर्दलीय किस ओर झुकते हैं। जी बिल्कुल, सबसे बड़ा तो यही होगा कि निर्दलीय जो है उनका वोट किस पाले में जाता है, वो अपना जिला जो नगर जिला पंचायत अध्यक्ष किसको बनाना चाहते हैं ये उसको ऊपर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा बात तो ये निकल के आ रही, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस हिसाब से जिला पंचायत में जो है चुनाव में अपनी बढ़त बनाई है, सबसे ज्यादा सीटें जिला पंचायत चुनाव में रायबरेली में जो है समाजवादी पार्टी की झोली में गई है, वही निर्दलीय भी जो है समाजवादी पार्टी के बराबर ही 16 सीट पर निर्दलीय भी प्रत्याशी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी जो है 10-10 सीटें जो है। रोहित, ये जो 16 निर्दलीय हैं, इनमें से ज्यादातर जो चुनकर आए हैं उनका झुकाव किस तरफ ज्यादा नजर आता है? जी बिल्कुल, जो निर्दलीय चुन के आए हैं वो सब जो है युवा चेहरे हैं, जो पहली बार मैदान में लड़े थे और पहली बार चुनाव लड़े और विजय हासिल किए, तो इन लोगों का झुकाव अगर बात की तो आरती सिंह के जो पति है मनीष सिंह वो भी युवा एक चेहरा है, युवा चेहरा के तौर पर उनको देखा जाता है, तो युवाओं को रुझान उनकी तरफ भी जा सकता है। वहीं अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी भी अगर चुनाव जिला पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदार में अपनी प्रत्याशी को मैदान में लाती तो चुनाव काफी। एक आखिरी सवाल, छोटा जवाब दीजिएगा रोहित, आदित्य सिंह का फैक्टर क्या काम नहीं किया रायबरेली में बीजेपी के लिए? ये बड़ा सवाल है और सटीक सवाल है, आरती सिंह का फैक्टर काम नहीं किया। अगर फैक्टर काम किया होता कि आरती सिंह जितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारी थी एक भी प्रत्याशी विजय नहीं हुए हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका इस पूरी जानकारी के, इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये रायबरेली देश का सबसे हाई प्रोफाइल जिला है, कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी यहाँ की सांसद हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना हाई प्रोफाइल ये सीट है। हालांकि कांग्रेस के हिस्से में 10 सदस्य हैं, बीजेपी के भी 10 सदस्य हैं, सपा के हिस्से में 16 सदस्य हैं और 16 निर्दलीय हैं। खेल निर्दलियों के हाथ में, चित्रकूट का क्या हाल है? सोहन लाल इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सोहन, क्या स्थिति है चित्रकूट की? जी आपको बता दूं कि चित्रकूट में जिला पंचायत सदस्यों की 17 सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी सबसे बड़े दल के रूप में आई है और बीएसपी की 6 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी की 5 सीटें हैं और बीजेपी की 4 सीटें हैं और 2 निर्दलीय, जिनमें से दोनों निर्दलीय वो भी एससी हैं, तो इसलिए जो है
चित्रकूट का जिला पंचायत अध्यक्ष का जो है अध्यक्ष पद का भी बहुत ही रोचक बना हुआ है। और कहा जाए तो बिल्कुल चित्रकूट के अध्यक्ष पद के लिए सपा के हाथों में चाबी है, क्योंकि जो और जो जिला अध्यक्ष की सीट है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। इसलिए कहा जाए तो बीजेपी और बीएसपी में घमासान है और इसकी चाबी जो है सपा के हाथ पे। सपा जिधर सपोर्ट कर देगी उधर उस पार्टी का जो है कैंडिडेट जिला पंचायत अध्यक्ष पद के रूप में चुना जाएगा। चलिए सोन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए बढ़ते आगे, गाजियाबाद से अगली खबर है। ऑक्सीजन फ्लो मीटर बेचते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन पर आरोप है ये लोग ऑक्सीजन का जो फ्लो मीटर होता है इसकी कालाबाजारी कर रहे थे। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इनके पास से 8 ऑक्सीजन का फ्लो मीटर बरामद किया गया है। इनके पास से 1,00,000 रुपया कैश बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि ऑक्सी फ्लो मीटर को ये 10,000 से 15,000 तक की कीमत बेचते थे। कोविड के दौर में ऑक्सीजन फ्लो मीटर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इस तरीके की काला बाजारी करने वाले बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। पुलिस भी लगातार ऐसे काला बाजारियों को गिरफ्तार कर रही है, उनकी धरपकड़ कर रही है। गाजियाबाद में 3 लोगों को पकड़ा गया है, इनके पास 1,00,000 रुपया कैश और 8 ऑक्सीजन फ्लो मीटर बरामद किया गया है। गाजियाबाद के नगर कोतवाली पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की है। ये वो लोग हैं जो इस आपदा की घड़ी में भी अवसर तलाश रहे हैं, जो परेशान लोग हैं, जिनके अपने बीमार हैं, ऑक्सीजन फ्लो मीटर के लिए वो दर दर भटक रहे हैं कुछ। और ये ऐसे लोग हैं जो 100 रुपये के कीमत के सामान को 1,000, 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 तक कीमत की वसूल रहे हैं। ऑक्सी फ्लो मीटर की बात करें तो इसके लिए ये 15,000 से 20,000 तक वसूल करते थे। इनके पास से 1,00,000 रुपए का कैश भी पुलिस ने बरामद किया है। तो गाजियाबाद में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,00,000 रुपए का कैश भी बरामद किया गया है। 10,000 से 15,000 रुपए में ये फ्लो मीटर बेचते थे और ये वो लोग हैं जो इस कोविड के दौर में भी लोगों के साथ ठगी करने से बाज नहीं आ रहे, आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं ये लोग। आम आदमी आज की तारीख में परेशान है, दर दर भटक रहा है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बाजार में ऐसा नहीं है कि हर चीज़ की शॉर्टेज हो गई है। ऑक्सीजन की शॉर्टेज है, बात समझ में आती है, लेकिन जितनी शॉर्टेज नहीं है उतनी शॉर्टेज इन जैसे लोगों की वजह से बन रही है। क्योंकि ये लोग अगर ऑक्सीजन है तो कई लोगों ने तो ऑक्सीजन की बाकायदा कालाबाजारी शुरू कर दी है। कई लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत भी नहीं है लेकिन घर में 2-2, 3-3 सिलेंडर लोगों ने रखा हुआ है। दवाइयाँ जो इस वक्त काफ़ी ज़रूरी होती हैं उन दवाइयों को ऐसे लोगों ने मार्केट से गायब कर दिया है और बहुत ऊंचे कीमतों में दवाइयों को बेचा जा रहा है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।